हेलो एवरीवन, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेंचुरी मास्क. ओके, सो वेंचुरी मास्क अपने हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हैं आपने देखा ही होगा, एक ऐसी डिवाइस है अपन बोल सकते हैं, ठीक है, है ना, जो अपने आप में हॉस्पिटल में पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट्स आपके सामने पूरे अवेलेबल हैं, आप इसको अपनी कॉपी में पूरी तरीके से उतार सकते हैं जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ईजिली फाइट कर सके और आपको किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए. तो अपन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इससे. ठीक है, सबसे पहले आपके सामने ही लिखा है कि जो वेंचुरी मास्क है डियर, उसी को ही एयर एंट्रेनमेंट मास्क भी बोलते हैं. मतलब ये एक ऐसा मास्क है जो एयर को एंट्रेन करके रखता है. मतलब अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है, जैसे कि कोई एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लूँ, अगर कोई पेशेंट है जैसे कि सीओपीडी का, है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का अगर कोई पेशेंट है, सीओपीडी का कोई पेशेंट है, तो डियर स्टूडेंट ऐसे पेशेंट के अंदर, ठीक है, यस डेफिनेटली ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है, CO2 का रिटेंशन होता है. ठीक है, अगर CO2 का रिटेंशन ऐसे पेशेंट्स के अंदर हो रहा है तो वेंचुरी मास्क वहाँ पर यूज़ में लेना बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है. ऐसा क्यों माना जाता है वो अपन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो अपन ने ये देख लिया कि यहाँ पर जो वेंचुरी मास्क है उसी का नाम एयर एंट्रेनमेंट मास्क है, सॉरी, और ये डिस्कवर्ड किया था MC कैम्पबेल ने. ठीक है, ये जो डिवाइस है ये अपने आप एक मेडिकल डिवाइस है जो डिलीवर्ड करती है ऑक्सीजन के कंसनट्रेशन को, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन को डिलीवर्ड करती है पेशेंट में, है ना, और कंट्रोल ऑक्सीजन थेरेपी के नाम से ये जानी जाती है, कंट्रोल ऑक्सीजन थेरेपी के नाम से जानी जाती है. ठीक है, तो अब करती क्या है ये, तो भैया ये अपने आप में एक ऐसी स्पेसिफाइड फ्रैक्शन है जो पर्टिकुलर इंस्पायर्ड ऑक्सीजन को क्या करके रखता है, फिक्स करके रखता है. ठीक है, और ऐसे पेशेंट जो सबसे ज़्यादा हाइपर कैपनिक रेस्पिरेटरी फेलियर के किस में है, रिस्क में है, मतलब जिनके अंदर CO2 का सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए वेंचुरी मास्क बहुत इफेक्टिव है. कैसे इफेक्टिव है देखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे केस लिखा है. अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या होता है, अपन अगर वेंचुरी मास्क अगर अपन यूज़ में नहीं लेते हैं तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होगा, CO2 की मात्रा तो कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, तो अपन को पता है कि हाँ भाई रेस्पिरेटरी जो स्टिमुलेंट गैस है वो CO2 है. ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पेशेंट में CO2 कम हो गया तो भाई जो उनका जो रेस्पिरेटरी जो मेंटेन हो रहा था ना वो भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे फेल होने की आवश्यक ऐसी कंडीशन उत्पन्न नहीं हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन उत्पन्न नहीं हो, मतलब हाइपर कैपनिक रेस्पिरेटरी फेलियर अकर नहीं हो, इसलिए अपन वेंचुरी मास्क जो है वो यूज में लेते हैं, जिससे पर्सन के अंदर ऑक्सीजन भी बना रहे बॉडी में और साथ ही साथ में CO2 का लेवल जो है बॉडी के अंदर वो भी बना रहे, है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है. सो दैट्स वाई COPD के लिए वेंचुरी मास्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर NORSET 2023 जो अभी जून में होने ही वाला है. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि COPD में कौन सा लेंगे तो वेंचुरी मास्क लेंगे. अगर वेंचुरी मास्क नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मोस्टली पेशेंट्स में अदर डिजीज के अंदर कौन सा मास्क यूज में लेते हैं, तो याद रखिएगा नेजल कैथेटर जो है यूज में लिया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन और डिस्कस कर लेते हैं कि जो वेंचुरी मास्क है, है ना, वो कितने फ्लो रेट से ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर्ड करता है. तो याद रखिएगा दैट इज़ व्हाट दी 2 से 15 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से डिलीवर्ड करता है, और इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो 24 से 60% है. ठीक है, यहाँ पे आप कलर देख पा रहे हैं, ये इसका कंसंट्रेशन फ्लो रेट है. इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क दिखा देगा तो आपको याद रखना है ये 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से फ्लो रेट को कंटेन करता है और इसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 24% होता है. ठीक है, व्हाइट वाला 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से फ्लो रेट को कंटेन करता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें 28% है. फिर ऐसे ही ऑरेंज जो है वो 4 लीटर प्रति मिनट और कंसंट्रेशन 31% है. येलो वाले में 8 लीटर है, 35% है. रेड में और ग्रीन में दैट इज 10 लीटर एंड 15 लीटर है एंड 40% और 60% है. सो दिस इज अबाउट आर वेंचुरी मास्क. आई होप सो आपके लिए कंटेंट बहुत बेनिफिशियल होगा. एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आप इसी तरीके से मेरे चैनल से, नर्सिंग चैनल से कृतिका भसीन के आप जुड़े रहें. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें. थैंक यू सो मच.